अल्लाह ताला रहमान और रहीम के नाम से इब्तिदा है। मेरे मुस्लिम और हिंदू भाइयों, आज हम देखते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तलाक़ के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म की बहस व मुबाहसे हो रहे हैं और इस ताल्लुक़ से गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। गैर मुस्लिम भाइयों का तो छोड़िए, हम देखते हैं कि मुस्लिम भाइयों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें तलाक़ क्या है, इसके देने का मकसद क्या है, क्यों दिया जाना चाहिए, इसके देने का तरीक़ा क्या है, इस ताल्लुक़ से बहुत सारे नौजवानों को इसकी मालूमात नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से इस्लाम के अवाइली खवानीन को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को, तलाक़ को, खुला को, हराले को एक ऐसे अंदाज में पेश किया जा रहा है जिससे इस्लाम की सूरत और इस्लाम की तालीमात मस्त होकर के लोगों के सामने आ रही हैं। इसलिए जमात इस्लामी हिंद ने तय किया है कि 23 अप्रैल से 7 मई तक की एक मुहिम चलाई जाए और इस मुहिम के दौरान में लोगों की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की जाए, कुरान हदीस के सही मालूमात पेश किए जाएं और बतलाया जाए कि इस्लाम दरअसल औरत के लिए एक रहमत, निज़ाम रहमत है, ना कि वो उस पर जुल्म करने वाला है। आइए हम देखते हैं कि तलाक़ के ताल्लुक से आखिर क्या है। चुनांचे शरीयत में तलाक़ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब यह है कि एक मर्द अपनी बीवी को तलाक़ लफ्ज़ के ज़रिए से अपनी अज़्दवाजी ज़िंदगी से, अपने निकाह से बाहर करता है, आज़ाद कर देता है। तो असल में ये इस्लाम का एक नापसंदीदा तरीक़ा है। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह को तलाक़ का मामला है। तो इस लिहाज से इससे बचने के लिए मुख्तलिफ तालीमात दी गई। बीवी के साथ हुस्न सलूक करने के लिए कहा गया कि हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनके लिए लिबास हो। वह आशिरुहुन्ना बेमारूफ, और जो है औरतें अपने शौहरों के साथ ताल्लुक़ से बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी का रवैया अख्तियार करें और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारें। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की बातें उनको बतलाई गई और बतलाया गया कि मियाँ और बी को अल्लाह तबारक ताला ने इसलिए पैदा फरमाया है, वो मिन आयाती ही अन खला खलकुम बिन अनफुसकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जाअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफक्करून। सूरह रूम में फरमाया गया कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे जिन से तुम्हारे जोड़े पैदा किए और इसका मकसद ये है कि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और अल्लाह ने मियाँ और बी के दरमियान में मोहब्बत और रहमत डाल दी है। इस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह तबारक ताला ने, उसके रसूल ने मियाँ और बीवी को बेहतरीन समाजी ज़िंदगी गुजारने और बेहतरीन अज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने की तलखीन की है। लेकिन मिजाजों का जो फ़र्क होता है, उससे मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात पैदा होते हैं। हम देखते हैं कि हम मियाँ और बीवी के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो है तलखियाँ पैदा होती हैं, उनके अंदर इख्तलाफ पैदा होता है। पहली चीज़ तो शक व शुबे की बात आ जाती है, और ये बात आती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे लिए मुनासिब नहीं है, इज्तमाई ख़ानदानी ज़िंदगी उनके लिए बायस नफ़रत बन जाता है। बाज़ देखते हैं कि उनके घरों का माहौल जो है अलग होता है, और ये देखते हैं कि उनके मुख्तलिफ किस्म के जो तरीक़े हैं और आदात हैं, वो जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और कभी देखा जाता है कि शौहर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आदतें हैं, शराब की है, गुटखे की है, सिगरेट की है, और ये भी दरअसल नापसंदीदा जो है ये बन जाता है। कभी यह होता है कि शौहर कहता है कि मेरे घर में इस्लामी लिहाज से ज़िंदगी होनी चाहिए, इस्लामी लिहाज से तमाम मामलात होने चाहिए। बीवी कहती है कि नहीं, हम आज की रोशनी के लिहाज से घर में टीवी रखेंगे और मुख्तलिफ किस्म के जो है आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे। ये भी दरअसल इख्तलाफ का मौजू बन जाता है, और इस तरीके से दोनों मियाँ और बीवी के अंदर तकरार और झगड़े और मुख्तलिफ चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि हमने इंसान को, मर्द को जो है एक बड़ा दर्जा दिया है, औरत पर जो है थोड़ा सा बड़ा दर्जा दिया है। अर रिजालु खवामून अलन निसाई बिमा फज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द को जिस्मानी तौर पर हमने औरत से ज़्यादा फोकियत दी है, और दूसरी बात यह है कि मर्द अपने माल को औरतों पर खर्च करता है। इस गुनाह पर अल्लाह ने उसको एक बड़ा दर्जा दिया है, लिहाजा औरतों को चाहिए फ़सालिहातुन ख़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबी बिमा हाफिज़ल्लाह, और वो अल्लाह तबारक ताला के यानी मतलब हुक्म से शौहर के ग़ियाब में उसकी हिफाजत, उसके माल की हिफाजत भी करें और बड़ी साले बनकर रहें, बड़ी फमाबरदार बनकर रहें। फरमाया जा रहा है वल्लाती नुशूज़ हों तखाफ़ुना नुशूज़ हुन्ना, अगर औरतों से तुमको नुशूज़ और सरकशी का अंदेशा हो जाए तो फरमाया गया, कुरान कहता है फ़ाइज़ू हुन्ना, उन्हें जो है आप नसीहत करो, समझाओ, मनाओ, और अगर उससे भी न मानती हों तो वाहजरू हुन्ना,
फिल मजाजी, उन्हें अपने बिस्तरों से अलग कर दो, यानी उनके ख्वाबगाहों में उनको अकेला छोड़ दो ताकि वो सोचने पर समझने पर मजबूर हो जाएं। और अगर इससे भी न मानती हो वज़रिब हुन्ना, उन्हें जो है हल्की सज़ा भी दो और इस तरीके से जो है उनको अपने मौक़िफ़ से बदलने और मिलजुल कर रहने पर आमदा करो। इस पर भी अगर वो औरत नहीं मानती है तो कुरान कहता है हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, मर्द के ख़ानदान से एक शख्स को और औरत के ख़ानदान से एक शख्स को लिया जाए और ये दोनों अगर इस्लाह का काम करेंगे तो अल्लाह उनके अंदर मुआफ़त पैदा कर देगा। इस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है कि मियाँ बीवी के झगड़े को इस तरीके से दूर करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी झगड़ा बढ़ता ही है और कोई चीज़ का आरामद नहीं होती है, तब कहा गया है कि तुम तलाक का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली तलाक इस सूरत में दी जाती है कि जब औरत अपने हैज से पाक हो जाती है, उस वक्त में शौहर बग़ैर हम बिस्तरी करके उस बीवी से कहे कि मैंने तुझे एक तलाक दिया, और इस वक्त में दो गवाह को भी मुखर कर ले और चाहे तो उस पर तहरीर भी कर ले, और इस तरीके से तलाक दी, लेकिन ये तलाक वाक़ नहीं हुई है, अभी 3 महीने की मुद्दत इद्दत की बाकी है। इस इद्दत यानी जो यानी बीवी को मौका है सोचने का, शौहर को मौका है सोचने का, इस तरीके से 3 महीने की मुद्दत, और फिर ये कि उस औरत के पेट में क्या पल रहा है वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर हो जाए, इसलिए बड़े हकीमाना तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने 3 महीने की मुद्दत रखी है। इन 3 महीनों के अंदर बीवी शौहर के घर में रहे, उसे मनाए, बनाओ सिंगार करे, उसकी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करे, शौहर भी अपने मौक़ पर गौर करे, और इस तरीके से 3 महीने की मुद्दत के अंदर अगर वो आपस में मिल जाते हैं फिर ठीक है, इतना ही हुआ कि मर्द को जो 3 तलाक का हक हक था एक ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो 3 महीने गुजर जाते हैं, मियाँ बीवी मिलते नहीं हैं, तो इनके अंदर कामिल तफरीक हो गई, अब चाहे तो बीवी अपना निकाह कर ले चाहे तो शौहर अपना निकाह कर ले, दोनों में मियाँ बीवी का कोई संबंध बाकी नहीं रहा। इस तरीके से एक तलाक के ज़रिए से मियाँ और बीवी के अंदर मुकम्मल तौर से जुदाई हो जाती है। और फिर फरमाया गया कि इसके बाद भी जो है दोनों को पछतावा होता है कि नहीं हमसे गलती हो गई है, तो कहा इस्लाम कहता है कि ठीक है अगर पछतावा होता है, दोनों तैयार है फिर से अजदवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए नए शरायत के लिहाज से, तो काजी को बुलाए, निकाह पढ़ाए, और इस तरीके से ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। आप देखते हैं कि अब तलाक की दूसरी सूरत कब होती है भाइयों, दरअसल जब ये मियाँ बीवी मिलकर रहने लगते हैं तो फिर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, दोनों के अंदर इख्तलाफ होता है, फिर वही कहा गया कि दोनों को मिलाने की कोशिश की जाए, और अगर ये तमाम नाकाम होती हैं तो हैज से पाक होने के बाद में उसको दूसरी तलाक दी जाए और कहा जाए कि मैंने तुझे दूसरी तलाक दी, और इस वक्त भी गवाह को रखा जाए, इस वक्त भी तहरीर कर ली जाए, इस वक्त भी 3 महीने शौहर के घर में बीवी रहे, मनाने की कोशिश करे, हालात को सुधारने की कोशिश करे। अगर 3 महीने ख़त्म होने से पहले मिल जाते हैं तो शौहर के 2 तलाक का ख़त्म हो जाता है और मियाँ बीवी की ज़िंदगी हो जाती, लेकिन अगर ये 3 महीने भी कामिल हो जाएं तो तलाक वाक़ हो जाती है। अब शौहर अलग, बीवी अलग, दोनों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक बिल्कुल बाकी है, अज़्वाज़ी ताल्लुकात कुछ बाकी नहीं रहते हैं, मियाँ बीवी दोनों बाकी नहीं रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से मियाँ और बीवी को ये मालूम होता है कि हमने गलत काम किया, पछतावा होता है, और वो चाहते हैं कि गलती का एतराफ़ करें, गलती की जो है पावजाई करें, तो उस सूरत में मियाँ और बीवी को हुक्म है कि वो आपस में तड़जोड़ करें नए नए हालात के लिहाज से, नए नए शरायत रख करके, और उसके बाद में जो है आप देखते हैं कि निकाह करके वो अपनी फिर से अज़्वाज़ ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 तलाक के तरीक़े हैं। कुरान कहता है अत्तलाक़ मर्रतान फ़इमसाकुम बिमारूफ़ तस्रीहु बिहसान, तलाक 2 ही हैं, या तो भले तरीके से रख लो या तो भले तरीके से जुदा कर दो। अब इसके बाद में मिलजुल करके रह रहे हैं मियाँ बीवी, 2 तलाक वाक़े हो गए हैं, शौहर के 3 का हक़ 2 ख़त्म होकर के सिर्फ 1 बाकी रह गया है, और इसमें दोनों को भी चाहिए कि बड़ी एहतियात से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन खुदा ना खास्ता फिर दोनों के अंदर इख्तलाफ़ होता है, तो शरीयत कहती है कि अब 3रे तलाक़ देने का वक्त आया है। तमाम नसीहतें, तमाम जो है समझाने बुझाने के तमाम मामला जब ख़त्म हो जाते हैं, तो उस वक्त में बीवी जब हैज से पाक हो जाती है बग़ैर हम बिस्तरी किए कि उससे बीवी से कहा जाए कि मैंने तुझको 3री तलाक दी, और ये जैसे तलाक दी है, गवाह रखे हैं, तहरीर कर ली है, उस वक्त में आप देखते हैं कि तलाक वाक़ हो जाती है। अब मियाँ बीवी के अंदर किसी किस्म की मिलन की, किसी किस्म की सफाई की गुंजाइश नहीं रहती है, बल्कि औरत को चाहिए कि वो अपने मायके जाकर के 3 महीने की इद्दत गुजारे। मियाँ और बीवी के दरमियान में दूरियाँ वाक़ हो गई। 3 महीने इसलिए हैं कि शरीयत देखना चाहती है कि उसके पेट में कोई चीज़ है तो नहीं, क्योंकि पेट में औलाद हो तो औलाद बाप की होती है, उसकी विरासत में हक़ होता है, तमाम मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए शरीयत चाहती है कि मियाँ बीवी 3 महीने तक अलग रहें। 3 महीने हो जाने के बाद में दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं। अब इनके अंदर मुलाकात का, दूसरी मरतबे, तीसरी मरतबे निकाह करके मजीद ज़िंदगी गुजारने का शरीयत में कोई हिस्सा बाकी नहीं। तो इस तरीके से 3 तलाक दे करके
बीवी को जो है सो अलहदा किया जाता है। अब शरीयत उसमें एक गुंजाइश रखी है कि बीवी ने दूसरा निकाह कर लिया, जिंदगी गुजार रही है, इत्तेफाक से उस शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा हो गई, या फिर ये कि उस शौहर ने उसको तलाक दे दी, ऐसी सूरत में बीवी को इस बात का हक दिया गया है कि अगर वो चाहती है कि अपने पहले शौहर से निकाह करे, अगर वो चाहती है कि अपने पहले शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारे, और पहला शौहर भी चाहता है कि उसको अपने निकाह में लिए, तो उस सूरत में शरीयत ने उसको इजाज़त दी है, इसको हलाला कहा जाता है। यानी मतलब है कि तलाक के बाद दूसरे मर्द से शादी करना, उसके बाद में उससे तलाक वाक़ हो जाए या मर जाए और वो आज़ाद हो जाए निकाह से, तो उस वक्त भी अपने निकाह में लेने को हलाला कहा गया है। लेकिन आम तौर से बदबख्ती और जिसको पेश बना मजाक बनाकर पेश किया जा रहा है वो ये है कि साजिशी अंदाज में किसी को तैयार किया जाता है ताकि वो निकाह कर ले, और इस तरीके से तैयार किया जाता है कि निकाह के दूसरे दिन फौरी उसको तलाक दे दे और ये फिर पहला शख्स अपने उस निकाह में ले ले। इसको अल्लाह के रसूल ने सख्त नापसंद फरमाया है और फरमाया है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक की लानत है। लिहाजा जो है इस सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा को और हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत गौर करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने किस तरीके से इन्हें एक निज़ाम रहमत उनको अता फरमाया है, मियां बीवी के अंदर में इस तरीके से मेल मिलाप की तमाम कोशिशें जितनी हो सकती हैं इस्लाम ने की हैं, उन सब को छोड़ करके अल्लाह ने जो हक दिया है उस हक को बैक वक्त में इस्तेमाल करते हुए तलाक 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 करके बीवी को अलग कर देना, दरअसल ये अल्लाह कुरान और अल्लाह के रसूल के उसूलों के खिलाफ में मजाक है, ये ज़्यादती है और इस्लाम इसे रोकता है। तो जमात इस्लामी हिंद चाहती है कि इस 23 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक के जो मुहिम मनाई जा रही है, इस मुहिम के ज़रिए से हम चाहते हैं कि हर एक मुस्लिम नौजवान से, हर एक मुस्लिम से, हर एक गैर मुस्लिम से मिलें और उनको बतलाएँ कि इस्लाम ने किस कस्म का निज़ाम रखा है। बहुत सारे लोगों के सामने जब बात बतलाई गई तो उन्होंने तारीफ़ किया और कहा कि वाह, इस्लाम में कितना बेहतर तरीका है, इतना ज़्यादा औरत का सम्मान है, इतना ज़्यादा औरत को जो है सो वेट दिया जा रहा है, और ये कि इतना मौका उसको दिया जा रहा है कि किसी दूसरे मुकाम पर ऐसा मौका उसको नहीं मिलता है। इस तरीके से ये तालीमात आप देखते हैं कि ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक है, ऐन इंसान की इंसाफ के मुताबिक है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन उसूलों पर चल कर दुनिया को बतलाएँ कि अल्लाह तबारक तआला का दिया हुआ एक दीन और एक मज़हब ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा किस तरीके से एक मुबारक तरीक़ा है। इस पर चल करके हम दुनिया के अंदर भी अल्लाह की रहमतें और नेमतें हासिल कर सकते हैं, अपने घर के अंदर भी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बीवी का हक़ भी अदा कर सकते हैं और दोस्तों को बतला सकते हैं कि वाक़ेतन इस्लाम एक निज़ाम रहमत है, ये जुल्म करने वाला नहीं है। लिहाजा हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से कोई ऐसी बात ना हो जिससे इस्लाम पर हरफ आए, और हमारी ज़ात से कोई ऐसा जुल्म ना हो जिससे किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। लिहाजा हमें मुकम्मल तौर से अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए। आखिरी बात भाइयों, दरअसल बतलानी ये है कि हमें कोई चीज़ भी दुरुस्त करनी होती है तो हम उसके माहिरिन के पास जाते हैं। हमारा टीवी ख़राब होता है तो जाते हैं, हमारा मोबाइल ख़राब होता है तो जाते हैं, हमारी घड़ी ख़राब होती है तो जाते हैं दुरुस्त करने वालों माहिरिन के पास दुरुस्त करवाते हैं। तो क्या अल्लाह का दीन ही ऐसा हो चुका है कि आप खुद ब खुद उसके अंदर अपनी राय देने लगे? नहीं नहीं दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने इस दीन में उलमाए कराम को रखा है। हमारा कोई भी मसला हो, कोई बात समझ में नहीं आती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उलमाए कराम के पास जाएँ, अपने मसले को रखें कुरान और हदीस की रोशनी में, उसका हल उनसे लें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह अगर हम इस तरीके से अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियाँ भी अल्लाह की रहमत से भरपूर हो जाएंगी और लोगों के सामने भी ये बात वाज़ह होकर आ जाएगी। इस्लाम वो तरीक़े ज़िंदगी है जिस पर चल कर इंसान इंसाफ के साथ ज़िंदा रह सकता है, लोगों को इंसाफ दे सकता है और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता है। ये दुनिया भी उसके लिए बेहतरीन बन जाती है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक तआला की नेमतों से नवाजा जाता है। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।